नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैंडिड स्टॉक्स में। दोस्तों अगर आप लोगों के पास डीमैट अकाउंट नहीं है ज़ेरोधा या फिर एंजल वन का, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं वो आपको चाहिए, स्पेशली जो स्विंग पोजिशनल या शॉर्ट टर्म स्टॉक्स ये आपको चाहिए, तो इसके लिए भी आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो ट्रेड था वो बिल्कुल ख़राब रहा, एक्सेप्टेड है यार, बिल्कुल ख़राब रहा। बिकॉज वो ऑलरेडी टारगेट क्रॉस करके गया था और टारगेट क्रॉस होके वो गया था, मतलब बिल्कुल गैप अप ओपनिंग था। और गैप अप ओपनिंग के बाद फिर वहाँ से जब डाउन आया था, तो उसके बाद वहाँ से बिल्कुल एक रिवर्सल हुआ नहीं, और अपना जो सपोर्ट है सपोर्ट के नीचे जा रहा था, लेकिन हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं। यही तो प्रॉब्लम है डे ट्रेडिंग में, यही प्रॉब्लम होता है डे ट्रेडिंग में। बात बाकी कोई बात नहीं, हो गया लॉसेस तो हो गया, ठीक है। बहुत बोलेंगे, मतलब बहुत ऐसे ही बोलेंगे कि खुद रिसर्च कर पहले, फिर जाके हमें देना, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये बात मेरे को बिल्कुल लगता नहीं है ख़राब, लेकिन एक बात है, मार्केट में होते हैं दोस्तों, सेंट पर्सन रहते हैं। देखिए अगर मैं आपको चार शेयर दूंगा, ठीक है, प्रैक्टिकल बात है, मैं आपको चार शेयर दे दूंगा, चार शेयर में दो सक्सेस हुए, दो सक्सेस नहीं हुए, तो फ़ायदा क्या हुआ। जो मान लीजिए 100 आदमी देख रहे हैं, 100 आदमी में 50 आदमी दो शेयर पर ट्रेड किया, 50 आदमी जो फेल्ड वाला शेयर है उसमें ट्रेड किए, नुकसान तो हुआ ना। इससे अच्छा एक ही सही, एक से क्या होता है कि हमारा एक बना रहता है कि हाँ हमने इतना इतना किया, इतना इतना ट्रेड फेल हुआ तो क्यों हुआ, और इसमें इतने इतने में सक्सेस हुआ तो इतना सक्सेस हुआ तो क्यों हुआ। ये कंसिस्टेंसी हम बनाए रखेंगे, ठीक है, हुआ कोई बात नहीं दोस्तों, अगले ट्रेड में देखेंगे। बट जो मेरे शॉर्ट टर्म स्टॉक्स जो मैंने दिए थे कॉस्मो फिल्म्स, वो ज़बरदस्त रहा दोस्तों, ज़बरदस्त रहा। अगर आप लोगों ने एंट्री किया होगा तो, और जिन्होंने एंट्री किया था तो प्लीज़ होल्ड कीजिए दोस्तों, प्लीज़ होल्ड कीजिए। आज भी मैं एक शेयर दूंगा, इनफैक्ट मुझे दो शेयर देने का मन है, लेकिन मैं दो नहीं दूंगा, एक ही शेयर दूंगा, क्योंकि ज़्यादा ठीक नहीं है कुछ भी चीज़। एक शेयर दूंगा, उसको भी आप लीजिएगा और होल्ड करके रखिएगा, और स्ट्रैटेजिकली आप उसमें एंट्री कीजिएगा, जो मैंने आप लोगों को पहले सिखाया था, ठीक है। तो जिन्होंने कॉस्मो फिल्म्स को पकड़ के रखा है, होल्ड करके आराम से बैठे रहे, और स्टॉप लॉस को बिल्कुल उसके सामने 20 रुपये का डिफरेंस पे रखिए। अब ज़्यादा आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ये 1500 क्रॉस कर चुका है, आप अभी सिर्फ 20-30 रुपीज़ का स्टॉप लॉस पे आप इसको रखिए, ये और भी अच्छे टारगेट्स आपको देंगे। तो प्लीज़ पेशेंस बनाए रखिएगा, ओके। और आज का शेयर जो मैं आपको दूंगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का, उसको भी आपको अगर जानना है तो आपको टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करना है, ठीक है दोस्तों। कल के लिए जो इंट्राडे स्टॉक दूंगा, अगर आप उसमें ट्रेड करते हो तो प्लीज़ थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा, उसके बाद कीजिएगा, ठीक है, उसके बाद ऑब्जर्व करके आप एंट्री लीजिएगा। हाँ दोस्तों, शेयर तो मेरे को ऐसा भी लग रहा था, मेरे को बहुत सारे ऐसे मतलब छोटे छोटे शेयर्स हैं, अच्छे अच्छे शेयर्स हैं, हाई प्राइस शेयर्स हैं, जो FNO में नहीं है, जिसमें आप मार्जिन ट्रेड नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोगों के पास अच्छा खासा कैपिटल है ना दोस्तों, तो ऐसे शेयर्स का भरमार है दोस्तों, जो आपको अपर सर्किट या फिर अच्छे ब्रेक्स आपको दे सकता है, कम से कम 20-25 रुपए तो आपको अर्न करके दे ही सकता है पर शेयर, लेकिन वो FNO में नहीं है ना, तो मैं दे नहीं सकता, क्योंकि इसके पहले भी मैंने वीडियो में डाला था, अपर FNO वाला जो नहीं था लेकिन अच्छा परफॉर्म किया था, ऐसे शेयर्स देने का मन है, लेकिन FNO स्टॉक्स नहीं है तो क्या करें, उसमें मार्जिन आप ले नहीं सकते। और ठीक है, सो शुरू करते हैं टुमारोस इंट्राडे स्टॉक। टुमारोस इंट्राडे स्टॉक इज दोस्तों इप्का लैबोरेटरीज या इप्का लैब्स विल बी योर टुमारोस इंट्राडे स्टॉक। इन इप्का लैब्स यू हैव टू बाय अबव 2680 एंड योर मिनिमम टारगेट विल बी 2700 एंड यू हैव टू शॉर्ट सेल बिलो 2647 एंड योर मिनिमम टारगेट विल बी 2627। योर स्टॉप लॉस मस्ट बी 10 पॉइंट्स, स्टॉप लॉस मस्ट बी 10 पॉइंट्स, जहाँ से आप बाई करोगे या शॉर्ट सेल करोगे वहाँ से आप 10 पॉइंट्स पकड़ के चलिएगा, ठीक है। स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड लीजिएगा, आराम से ट्रेड कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।